अरे भाई जी संभल कर। संभल कर सारा। चोर, देखो बेटा। बेटा किसका बेटा? मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। देख मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। अरे तो मैंने पैसा देने से कब इनकार किया है? पर इस तरह रोज पीपी के उड़ाओगे तो मेरा माल है, जितना मर्जी उड़ाओ। तू कौन? तुझे क्या लगता है पैसा कहाँ से आता है? सारा दिन लॉन्ड्री में खटती हूँ तो जाके चार पैसे इकट्ठे होते हैं, और ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ? लॉन्ड्री किसकी? मेरे बाप की। वो अगर जिंदा होता तो मुझे तेरे आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। तू घर जा वरना आज फिर कोई तमाशा हो जाएगा। तमाशा करेगी? धमकी देती? एक तो मेरा हक मार के बैठी है और मुझे धमकी देती हो। आज फैसला हो ही जाएगा। ये रोज रोज की मचमच से तो अच्छा सला जड़ से खत्म। तू इधर रुक, आज तमाम तो रुक। साला जॉन को धमकी देती? अभी रुक इधर। मोहन तुम जाओ, देखो कहीं फिर कोई गिरेगा और चोट वोट खाएगा। मैडम जी आप भी घर जाओ, शटर मैं बंद कर दूं? नहीं नहीं, आधा शटर गिरा दो, मुझे अभी किसी का इंतजार करना है। तुम जाओ और उसे घर छोड़ के जाना। जी मैडम जी। हेलो, हाँ मैं अंदर ही हूँ, शटर उठा के अंदर आ जाओ। शटर खुला? अरे मैडम कहाँ चले गई? लगता है रात को शटर में ताला लगाना भूल गई। अरे भैया जी आपने हमारी मैडम को देखा है क्या? किधर चली गई? अरे भैया हमें हमारी मैडम देखने की फुर्सत नहीं है, तुम्हारी मैडम को कहाँ से देखेंगे? अरे गई होगी यहीं कहीं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? भाई साहब सुनिए। जी भाई जी क्या हुआ? नहीं अभी तक वैसे हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ये मेरा कोट मुझे दे देंगे तो आपकी हो जाएगी क्या कहते हैं उसको वो मेहरबानी। अरे भाई जी अभी दुकान बंद है, आधे घंटे बाद आना। कैसे मजाक कर रहे हैं आप भाई साहब, अगर दुकान बंद होती तो आप दुकान के अंदर कैसे होते और मैं दुकान के अंदर चल के कैसे आ जाता? अरे मेरा मतलब है अभी काम शुरू नहीं हुआ है, बाद में आना। अरे देखिए आप मेरी बात समझ नहीं रहे, क्या नाम है आपका? नहीं नाम तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं है। ऐसा करता हूँ मैं आपको वो भाई जी बुला लेता हूँ। हाँ तो भाई जी ये बताइए कि यहाँ दुकान में प्रॉब्लम क्या है? अरे आप अजीब आदमी है, कहा ना आधे घंटे बाद आना, मैडम जी अभी आई नहीं है। मैडम जी नहीं है? मैडम वो आपकी क्या लगती है मैडम? खैर मुझे उससे क्या मतलब कि मैडम आपकी क्या लगती है, लेकिन आप समझ पा नहीं रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी जल्दी आप अगर मेरा कोड दे दें बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अरे आप समझते नहीं है, जब तक मैडम नहीं आ जाती हम आपका कोड नहीं दे सकते। अरे भाई जी आप तो बहुत बुरी तरह से नाराज हो गए। देखिए नाराज मत होइए आप, मैं ऐसा करता हूँ मैं यहाँ दुकान के बाहर थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए टहल लेता हूँ, और टहलने के बाद फिर वापस आ जाऊँगा आधे घंटे के बाद ये कोड लेने के लिए। अब उस बीच में करूँगा क्या वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप उससे क्या मतलब है, मैं बहरहाल कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, आप नाराज मत होइए प्लीज। सुनिए जी मैडम कहाँ है आपकी? जी वो तो आई नहीं, कहिए जी। कुछ नहीं मेरे कपड़े दे दीजिए प्लीज। जी वो तो मेरा काम है जी, आप प्लीज मत बोलिए ना प्लीज। मैं नहीं बोलता प्लीज, लेकिन मेरा कोट दे दीजिए प्लीज। जी मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको देर हो जाएगी, लेकिन आपको शायद पता नहीं है मैं मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप पहले ले लीजिए। नहीं पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपकी वजह से मेरे आधे घंटे का इंतजार बच गया है। वो कैसे? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जी आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो कुछ किया वो ऊपर वाले ने किया है, जो आपको उन्होंने वो बनाया क्या कहते हैं उसको वो लेडीज़ और वो लेडीज़ फर्स्ट जिसने ये मंत्र बनाया उसने तो बस कमाली कर दिया। आप समझ पा रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैडम लाश कहाँ है? मैडम तो ठीक खड़ी हैं आप। मैडम लाश Thank you.
किचन का पर्स खाली पड़ा हुआ मिला है और दरवाजे भी खुली हुई है। मुझे लगता है सर ये लूट का मामला है। सच सच बताओ कल क्या हुआ? सर जी आप भाई जी से पूछिए ना, वो यही थे। हाँ हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम पुलिस के साथ कोऑपरेट करो, पुलिस तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगी। आप जो भी पूछेंगे मैं बिल्कुल सच बताऊंगा सर जी। हाँ बोलो। मैं अभी बाहर हूँ, बाहर हूँ मैं। I'll call you back. Bye-bye, I said I'll call you back. Okay, bye. ये बताओ मैडम से तुम आखिरी बार कब मिले थे? कल रात। मैं 9 बजे रोज दुकान बंद करके चला जाता हूँ। कल देर से गया था जी। मैडम जी भी यही थी। मैडम जी ने बोला मैं बाद में जाऊंगी, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। किसका इंतजार? पता नहीं सर जी। अच्छा ये बताओ मैडम का किसी के साथ झगड़ा या कोई दुश्मनी? दुश्मनी का तो पता नहीं सर जी, लेकिन यहाँ पे झगड़ा तो रोज होता था जी, जॉन भाई से। कौन जॉन? उनका बेटा, सौतेला बेटा जी। लेकिन वो तो यूं ही दारू पी के कुछ ना कुछ तो बोलते रहते थे उन्होंने तो। जॉन भाई आइए आइए, आपकी तारीफ हो रही थी। कल रात आप कहाँ थे? जी मैं अपने दोस्त के फ्लैट पर था। कौन सा दोस्त? आउट ऑफ स्टेशन है, पर चाबी मेरे ही पास थी। मोहन भी मेरे साथ था, बोला। हाँ जॉन भाई जी सही कह रहे हैं जी, झगड़े के बाद मैं इनके पीछे पीछे चला गया। मैडम ने कहा कि ये नशे में है, इनको घर तक छोड़ के चले आना, पर जॉन भाई जी ने मुझे घर जाने से मना कर दिया और अपने साथ लेके गए। कुछ देर हमने ताश खेला। जॉन भाई जी ये भी मेरी दस की। और फिर हम सो गए। एक्सक्यूज मी सर, नो इफ यू डोंट माइंड कैन आई प्लीज लीव? यस ऑफ कोर्स, लेकिन तहकीकात अभी जारी है, शायद फिर से एक बार आपको कष्ट देना पड़े। श्रीवास्तव मैडम का नाम पता टेलीफोन नंबर लिख लो। बट फॉर व्हाट? मैंने क्या किया है? मैं तो यहाँ सिर्फ चलिए। करमचंद। हाँ सर। खैर खूनी जो भी है पकड़ा जाएगा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें फिर से कोई सपना आया था या खून हुआ या खून होने वाला है? जी नहीं खान साहब, दरअसल मैं यहाँ पे अपना कोट लेने के लिए आया था। बात यूँ है कि वैसे तो मेरे के सारे कपड़े वो कल्लू धोबी के पास जाते हैं, लेकिन वो मेरा कल्लू धोबी एक महीने के लिए अपने गांव गया हुआ, तो किटी ने गलती से मेरा कोट यहाँ लॉन्ड्री में लॉन्डर होने के लिए दे दिया। तो मैं अपना कोट लेने के लिए आया था और इत्तफाकन वो लाश यहाँ से बरामद हो गई। और इत्तफाक आपको बिल्कुल पसंद नहीं? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं खान साहब। तो क्या इरादा है? इरादा तो नेक है खान साहब, कातिल को सलाखों के पीछे भेज के रहेंगे। आपको किसी ने हायर किया? नहीं किसी ने हायर तो नहीं किया मुझे, लेकिन लाश तो मेरे सामने बरामद हुई है ना, और भले कोई मुझे हायर करे या ना करे मैं इस केस को तो सॉल्व करके रहूँगा। दूसरी बात, आपने शायद गौर फरमाया हो कि जो डेड बॉडी अभी यहाँ से गई है उसको एक कोट पहनाया हुआ था, वो वही कोट था जो मेरा कोट है जो मैं लेने के लिए आया था, जो खून से सना हुआ था, और वो कोट मुझे किटी ने प्रेजेंट किया था। किटी? यस सर। किटी ने प्रेजेंट किया था? ओह नो सर, वही वाला कोट। हाँ कोई बात नहीं, तुम मुझे एक और कोट प्रेजेंट कर देना। यस सर, लेकिन इस शर्त पर। बताओ। सर हम कोट लॉन्ड्री में कभी नहीं देंगे, कल्लू धोबी से ही धुलवाएंगे, भले ही वो छुट्टी पर क्यों न गया हो। भले ही वो छुट्टी पर क्यों न गया, तो खान साहब मैं ऐसा किया करूंगा कि कल्लू धोबी के छुट्टी जाने से पहले ही अपना कोट उसको दे दिया करूंगा, ताकि वो धो के छुट्टी से वापस आए तो साथ में ले आए। तो आप गवाह रहेंगे इस बात के? जी जी बिल्कुल। हाँ तो खान साहब ये मोहन और जॉन के बारे में क्या ख्याल है? फिलहाल तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन नजर रखते हैं जी, लॉन्ड्री पे भी और घर पे भी। जी इतनी रात गए अंधेरे में टॉर्च लेकर मिसेस लोबो के घर में क्या ढूंढ रहे हैं? कोई है वहां पे? मिसेस लोबो? मिसेस लोबो नहीं है, मिसेस लोबो तो मर चुकी है। लॉन्ड्री में उनकी लाश आती हुई देखी थी। टॉर्च में एक तरफ मत करो। एक काम करो, जैसे ही मैं आवाज दूंगा तुम लाइट ऑन कर देना। लेडीज फर्स्ट। मोहतरमा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ पर मेरी मुलाकात हो जाएगी और आपके दीदार हो जाएंगे। खास साहब आप यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ छुप के? ये मुझे श्रीवास्तव ने बताया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप यहाँ कैसे? मतलब आप बोल रहे हैं, आप ही ने मुझे बताया था कि किसी ने दुकान की तलाशी ली थी, तो मुझे उम्मीद थी कि जो दुकान की तलाशी लेना चाहेगा वो शायद मकान की तलाशी भी लेना चाहेगा, बस उसी चक्कर में इन मोहतरमा से मुलाकात हो गई। हाँ तो क्या नाम है आपका? संध्या चोपड़ा जी। संध्या चोपड़ा जी आप यहाँ ये मिसेस लोबो के घर पे रात के इस वक्त क्या कर रही थी? सर इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। किटी। संध्या जी सर प्लीज बिलीव मी,
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। देखिए संध्या जी, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपने खून किया है या नहीं। अब खून जिसने भी किया होगा वो तो हम पता लगवा लेंगे, लेकिन आप बस हमें ये बता दें कि आप यहाँ मिसेज लोबो के घर पे क्या तलाश रही थी। सर, मिसेज लोबो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। गलती से मेरा एक पर्सनल लेटर लॉन्ड्री के कपड़ों के साथ उन तक पहुँच गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पिछली जिंदगी की वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाए। सर, कंटिन्यूसली वो मुझसे पैसों की डिमांड कर रही थी और वही पैसे देने उस दिन में लॉन्ड्री के। मोहतरमा, ये तो हमारी समझ में आ गया कि आप इस घर में वो लेटर तलाश रही थी, लेकिन अगर आप हमें, वैसे तो किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल देना मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर आप जहमत उठाएं और हमें बता दें कि उस खत के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप उसे यहाँ पर तलाश रही थी। सर, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का लेटर और मेरे हस्बैंड इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। सर प्लीज़ हेल्प मी, आई एम श्योर वो लेटर यहीं कहीं है। सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़। खान साहब, क्या इरादा है? इरादा तो नेक है। श्रीवास्तव सर, टेबल के दराज से डायरी मिली, इस पर मार्क भी किया हुआ है सर। जी तो खान साहब, लगता है कि मामला थोड़ा बड़ा है। सिर्फ संध्या ही ब्लैकमेल नहीं हो रही थी बल्कि कुछ और लोग भी हो रहे थे। यहाँ लिखा है संध्या मंडे 9:30, विनी माथुर वेंसडे 9:30, कपिल खन्ना फ्राइडे 9:30 और फिर सैटरडे को राजीव शर्मा। इस महीने का पहला हफ्ता। जी, मतलब लगता है केस में दम है, ज़रा मज़ा आएगा। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे तलाशी ले लीजिए, मैं ज़रा लॉन्ड्री होके आता हूँ, शायद हो सकता है इनका वो लेटर वहाँ पे मिल जाए। जी। नो सर, आई डोंट थिंक कि लेटर वहाँ मिलेगा, लेटर यहीं कहीं होगा। मोहतरमा, आप बेफिक्र होकर घर चली जाइए, लेटर जहाँ से भी हमें मिल जाएगा हम आप तक पहुँचा देंगे। आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके हस्बैंड को इस बारे में पता नहीं चलेगा अगर हमें ज़रूरत ना महसूस हुई तो। मिलते हैं खान साहब। जी। Yes, sir. किधर? तुम यहाँ खड़ी हो जाओ। नहीं, उस तरफ चेहरा करो अपना। Yes, sir. और मैं तुम्हारे इस गाल पे थप्पड़ मारूंगा और तुम यहाँ लेफ्ट जाने की कोशिश करना। Yes, sir. Okay? Yes, sir. हाँ, आप उस तरफ देखो। Yes, हाँ, चलो लगी। रिलैक्स रिलैक्स किटी। ओके, ठीक है, सीधी हो जाओ। Yes, sir. नई तरफ फेस करो। Wow. किटी, हम यहाँ पे कोई चीज तलाशने के लिए आए हैं और तुम साड़ियाँ देख रही हो। वापस रखो साड़ी। लाओ ये टॉर्च दो मुझे। यस सर। नाइस कोट सर। शट अप। बोलिए। हाँ करमचंद, डॉक्टर मलिक का फोन आया था। हाँ, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। खून रात को 10 और 11 के बीच में सर पे चोट लगने की वजह से हुआ है और मरने से पहले किसी से हाथापाई भी हुई है। जी, इसके अलावा और कुछ? बस फिलहाल इतना ही। वो संध्या का क्या किया? मैंने उसे शहर से बाहर न जाने की वार्निंग देके छोड़ दिया है। श्रीवास्तव नजर रखे हुए हैं। खैर, कुछ हाथ लगे तो बताइएगा। जी हाँ, जरूर जरूर। हाँ सर, ओके, खुदा हाफिज़। मिनी माथुर? मिनी माथुर मिनी माथुर नहीं किटी,
विनी माथुर। मिसेस लोबो का मोबाइल कहाँ है? किसी का ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। मिसेस लोबो का मोबाइल नंबर। इस नंबर पे फोन लगाओ किटी। सर किसका नंबर है? मिसेस लोबो का। लेकिन वो यहीं पर है ना। किटी ये मोबाइल नंबर है उनका, फोन लगाओ। यस सर। जी नहीं, अब मैं विनी सहाय हूँ। जी अब आप विनी सहाय हैं, लेकिन पहले आप विनी माथुर थीं। Obviously, शादी के बाद तो सरनेम बदल ही जाएगा ना। जी तो आपने किसी मिस्टर सहाय से शादी कर ली? आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। अब मिस्टर सहाय से शादी की तभी तो सरनेम सहाय है। जी आई एम सॉरी, दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरा सरनेम बदला नहीं है। वैसे आप जो भी कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हम दरअसल एक केस की छानबीन के सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आए थे। ये आप स्वेटर बुन रही हैं, तो ये स्वेटर आप ऐसे ही हॉबी के तौर पर बुनती हैं या कोई डिजाइनिंग का शौक है या आप कोई बिजनेस वगैरह करती हैं? वैसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि हर माँ चाहती है ना कि अपने बच्चे को अपने हाथों से बनाया हुआ पहनाए। तो वो आपका नहीं आप गलत समझ रहे हैं। अभी 6 महीने और बाकी है उसे आने में। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे इस बार भी आप वहीं लूथरा नर्सिंग होम? ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर विनय सहाय। हेलो जी, आप? जी मैं करमचंद, ये मेरी असिस्टेंट है किटी। वो दरअसल हम एक मैगजीन है समर कलेक्शन। जी समर विंटर कलेक्शन। वो दरअसल समर में समर कलेक्शन पे लिखती है और विंटर में विंटर कलेक्शन पे लिखती है। तो हमने कहीं से सुना था कि आपकी बीवी ये वो क्या कहते हैं उसको वो स्वेटर बहुत अच्छा बुनती हैं, तो इस वजह से इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे हम। तो अभी तो खैर काफ़ी वक्त हमने इनका बर्बाद कर दिया, अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप कुछ लेंगे, चाय कॉफ़ी या ठंडा वगैरह कुछ? वो दरअसल बात यह है कि वो चाय मैं पीता नहीं हूँ क्योंकि उससे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कोल्ड ड्रिंक से मेरा गला ख़राब हो जाता है, और कॉफ़ी तो मुझे एसिडिटी कर देती है और फिर रात को नींद नहीं आती। मैं पीता नहीं हूँ, मैं वो खाता हूँ ये गाजर। ठीक है, दिमाग इससे बिल्कुल दुरुस्त रहता है। वैसे भी हमारी एक मीटिंग है नेचुरल कॉफ़ी शॉप पे। कौन सी मीटिंग? शायद मैं इनको बताना भूल गया था। नेचुरल कॉफ़ी शॉप पे हमारी मीटिंग है शाम को 7 बजे। तो नेचुरल कॉफ़ी शॉप पे शाम को 7 बजे मीटिंग है। अच्छा, इजाज़त चाहिए आपसे। ओके, बाय। ये पी रहे हैं, आप कुछ कॉफ़ी वगैरह लेना चाहेंगे? नो थैंक्स। वैसे जो कुछ भी बातचीत हमारे बीच होगी आप भरोसा रखें कि हमारे बीच ही रहेगी। आप वो लूथरा नर्सिंग होम का नाम सुन के क्यों घबरा गई थी? शादी के पहले मेरा किसी और के साथ अफेयर था और मैं प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा। और फिर वो आपकी पहली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट जो थी वो गलती से आपके कपड़ों के साथ मिसेस लोबो की लॉन्ड्री तक पहुंच गई और उन्होंने आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया होगा और आपने अपने आप को ब्लैकमेल होने दिया होगा और आपके पति को इस बारे में पता नहीं है और जाहिर है आप चाहती हैं कि उनको पता ना भी चले ताकि आपकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ ना जाए। देखिए मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं, अगर उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जी
वैसे संडे रात को कहाँ थी आप? संडे रात को मैं तो अपने हस्बैंड के साथ थी, लेट नाइट शो देखने गई थी। वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड को मूवीज बहुत पसंद है, इसलिए हम हर संडे जाते हैं। कौन सी फिल्म देखने गए थे आप? समंदर के लुटेरे और मुर्दे का खजाना। कौन सी? समंदर के लुटेरे और मुर्दे का खजाना। ओह यस, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, द डेड मैन्स चेस्ट। हाय, हमें ना मिसेस लोबो की डेड बॉडी ने भेजा है। क्या मतलब? जी, मेरा नाम करमचंद है और ये मेरी असिस्टेंट है किटी। तो हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप संडे रात को मिसेस लोबो की लॉन्ड्री पे गए थे या नहीं गए थे? जी, मैं संडे रात को अपने ही घर पे था और मैं किसी मिसेस लोबो को नहीं जानता, ना ही मैं किसी लॉन्ड्री पर जाता। लेकिन मिसेस लोबो के मोबाइल के अंदर आपका नंबर मिला है हमें। देखिए सर, नंबर का क्या है, आप आज मुझसे मिले हैं, कल मेरे मोबाइल में आपका भी नंबर होगा। नहीं, ऐसा वैसे हो नहीं सकता, क्योंकि मैं मोबाइल का शौक नहीं रखता हूँ, ये किटी रखती है मोबाइल का शौक। इसके मोबाइल नंबर के अंदर हो सकता है। एक मिनट आप हमें दे देंगे, गोके बरसात शुरू हो गई। देखिए सर, क्या है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे जाना है। एक मिनट टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसने तो घड़ी भी नहीं लगा रखी थी, घड़ी तो मैंने लगा रखी है। एनीवे, नेक्स्ट। सर, 501-502 जैक्सन इंडस्ट्रियल एस्टेट। सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, अगर हमारे पास सबके मोबाइल नंबर्स है तो हमने खान साहब से एड्रेसेस क्यों मंगवाए? किटी, होता यूँ है कि जब आप किसी इंसान को सडनली मिलते हैं, अचानक, जैसे कि हम इनसे मिले, तो जो भी बात वो कहना चाहता है वो मुंह से साफ निकल आती है। समझ गए कि नहीं? समझ। अभी इसके चेहरे पे घबराहट साफ दिखाई दी तुम्हें? यस सर। गुड, चलो। यस सर। उस तरफ नहीं किटी। यस सर। इस तरफ। यस सर। देखिए मैडम, मिस, मतलब जो भी हैं आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पहले 15 मिनट, कितने टाइम सर? 15 मिनट 13 सेकंड। 15 मिनट 13 सेकंड तक मेरी असिस्टेंट किटी आपको रिक्वेस्ट करती रही कि आप हमें कपिल खन्ना साहब से मिलवा दीजिए, और अब पिछले 14 मिनट और 12 सेकंड से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा उनसे मिलना। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मिस्टर कपिल काफ़ी बिजी है, तो आप उनसे नहीं मिल पाएंगे। नहीं मिल पाऊंगा। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप एक बार उनके मोबाइल पर फ़ोन करके कह दीजिए कि करमचंद है। पर आप समझने की कोशिश कीजिए, वो बहुत बिजी है। गुड आफ्टरनून मिस्टर कपिल। गुड आफ्टरनून। व्हाट्स द मैटर? मिस्टर कपिल खन्ना साहब जी, मेरा नाम करमचंद है, ये मेरी असिस्टेंट है किटी। वो दरअसल हम आपसे छोटी सी एक बात करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं आपसे कि वो मिसेस लोबो आपको ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? मिस्टर करमचंद, आई वोंट बी एबल टू टेल यू एनीथिंग अबाउट दैट। हाँ, बस इतना बता सकता हूँ कि मैंने पैसे देकर यह मामला क्लियर कर दिया है। एनीथिंग एल्स? जी, आपको वैसे मालूम है कि मिसेस लोबो का मर्डर हो चुका है। या आई नो अबाउट दैट, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना है नहीं। हाँ, इतना अफसोस मुझे है कि अगर ये पहले होता तो मेरे पैसे बच जाते। आई फील, डोंट माइंड। बाय द वे मिस्टर करमचंद, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स, यू कैन गेट इन टच विद माय लॉयर, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। हैव अ गुड डे। डे हैव अ गुड डे। सर, सर, खान साहब का फोन है। जी खान साहब, मैं आप ही का फोन ट्राई कर रहा था। उन लोगों ने कुछ बताया या मैं अपने तरीके से पूछताछ करूं? हाँ साहब, अभी तो कुछ खास पता नहीं चला है, लेकिन आपकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही, लेकिन किसी पॉइंट पे आपकी ज़रूरत तो पड़ेगी। बहरहाल, मैंने आपको एक वो होम्योपैथिक दवाई दी थी, उसके बारे में कुछ आगे पता चला? अभी तक तो सिर्फ नाम का पता चला है। कुछ नाम है म्यूराटिकम एसिडम। जी, एक सेकेंड होल्ड करें। हाँ जी, फिर से कहिए। म्यूराटिकम एसिडम। म्यूराटिकम एसिडम, जी। बाकी डिटेल्स में तो अभी टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने उसे दिल्ली भेज दिया है, नेशनल सेंटर फॉर होम्योपैथी में। ये खान साहब, मिसेस लोबो के मोबाइल से कुछ पता चला? नहीं, कुछ खास नहीं। एक्चुअली श्रीवास्तव नज़र रखे हुए है, 2-4 फोन आ जाते हैं रोज लोगों के अपने कपड़ों की पूछताछ करने के लिए, बस वो कुछ खास हाथ नहीं लगाया। एक छोटी सी तकलीफ आपको और देनी थी खान साहब। जी बोलिए। आप ये मिसेस लोबो के बैकग्राउंड को ज़रा चेक कर लीजिए, आप उस ट्रैक को फॉलो कीजिए, मैं दूसरा ट्रैक फॉलो करता हूँ। दूसरा ट्रैक? जॉन और मोहन। मैडम जी। क्यों बुलाया? मैडम जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है जी। मेरी रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट का क्या है, वो रिपोर्ट तो मैं दे दूंगा जी, पहले मुझे कुछ पैसे चाहिए। पहले मुझे मेरी रिपोर्ट ला के दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। आइए जरा हमारे साथ, चलिए। आइए खान साहब, चलिए आइए, कुछ बातें हम भी आपसे कर लेते हैं। कम मैडम। कुछ दिन पहले मैं लॉन्ड्री पर गई थी अपनी उस रिपोर्ट के बारे में मिसेस लोबो से बात करने के लिए, पर उस वक्त वो वहाँ थी ही नहीं, ये था मोहन। मैंने सोचा कुछ पैसों की लालच से ये मेरा काम कर सकता है, और मिसेस लोबो को जो मोटी रकम देनी है उससे मैं बच जाऊंगी।
इसलिए मैंने इसे सारी बातें बता दी और इसने कहा कि ये तो इसके बाएं हाथ का खेल है। और उसके बाद इसने आपको आपसे वो पैसे मांगना शुरू कर दिया। पर ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं चाहती थी कि बाहर की बातें बाहर ही सॉल्व हो जाए। मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। वैसे देखा जाए तो पुलिस के चक्कर में कोई भी नहीं पड़ना चाहता। हाँ नहीं, वो तो सही है, कोई भी पुलिस के चक्कर नहीं काटना चाहता है। तो भाई जी आप कुछ बोलेंगे? सर जी मैं क्या बताऊँ, मेरे से गलती हो गई। गलती हुई है तो सजा तो मिलेगी, लेकिन आपने वो रिपोर्ट दी क्यों नहीं इनको? रिपोर्ट होगी तो दूंगा ना जी, वो मुझे मिली नहीं। मैडम अपना पर्स 24 घंटे अपने पास लेके घूमती रहती थी। एक दो बार मैंने हाथ साफ करने की कोशिश की थी तो मुझे सफलता नहीं मिली। आप तो सच बोल रहे हैं जी? झूठ बोलूं तो 10 जूते मारना जी, भगवान कसम। कसम खा ली है भाई जी तो अब जूतों से तो आप बची जाएंगे। और मोहतरमा आपकी रिपोर्ट खान साहब के पास, खान साहब ये रिपोर्ट आपकी खान साहब के पास महफूज है, लेकिन ये आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाता। आप इस बारे में बेफिक्र रहिए, आपके पति को इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। वैसे मशवरे के तौर पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि ईमानदारी सबसे अच्छा उसूल है, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। सर सर वो मिसेस लोबो के सेल फोन पर एक ट्रैवल एजेंसी से फ़ोन आया था, पूछ रहे थे मैडम टिकट का क्या करना है। ट्रैवल एजेंसी से क्या नाम, क्या ट्रैवल एजेंसी का? दास ट्रैवल्स, वी टेक यू प्लेसेस, ऐसा बोल रहे थे। दास ट्रैवल, वी टेक यू प्लेसेस। किडी? यस सर। दास ट्रैवल्स, वी टेक यू प्लेसेस। यस सर। क्या लिखा? दास ट्रैवल्स, वी टेक यू प्लेसेस। गुड। लगभग 2 सप्ताह पहले में उसका फोन आया था टिकट बुक करने के लिए। आप ये बता सकते हैं हमें कि उन्होंने कहाँ का टिकट बुक कराया था और कौन सी तारीख का? पांडिचेरी के लिए बुक कराया था और डेट कॉन्फर्म तो नहीं था किंतु इस सप्ताह में होने वाला था। और हाँ, 1 महीना बाद का रिटर्न टिकट के लिए बोला था हमको। शोत्ते बोल ची? आपने बांगाली? आमियो बांगाली। আপনার কলকাতাতে বাড়ি? আমার জলপাইগুড়িতে বাড়ি। জলপাইগুড়ি? এই দেখেন, জাতি ভাই জাতি ভাইকে মিথ্যা কথা কেমন করে বলবে? হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কি কথা, আপনি আমাদের সামনে আসছেন, হ্যাঁ এত কথা বলছেন, ভীষণ ভালো লাগছে আমাকে। কে ও হামসে বাতচিত করনা ইনকো ও কে কেতে উসকো বহুত আচ্ছা লাগ রাহা হ্যায়। হ্যাঁ সুইট। আপনার নাম কি? কি? টি কিটি। আরে বাহ বাহ বাহ, ভীষণ সুন্দর নাম আপনার। মেনশন নট। কোনো দরকার নেই। কোন সি কার নেই? মানে দরকার নেই। দরকার নেই। ভীষণ সুন্দর নাম না, তার জন্য আমাকে ভালো লাগছে। আমি করমচন্দ। আপনি করমচন্দ? করমচন্দ। আমি অমিয়া দাস। ওই দাস ট্রাভেল এজেন্ট হ্যাঁ না আমার, আমার দাদু আরম্ভ করেছিল এই বিজনেস। দাদু আরম্ভ করেছিল, তারপর আমার বাবা, তারপরে আমি। আর ভবিষ্যতে যদি কোনো আপনাকে হেল্প চায় তো আপনি আমাকে আমাকে মনে করবেন। प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि ठीक है, वो बंगाली लोग जो होते हैं वो बहुत स्वीट होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में अगर आपको कभी भी किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अमी आची दास, उमिया दास ट्रेवल एजेंट, वी टेक यू प्लेसेस। धन्यवाद, মনে রাখবেন আমাকে। মনে রাখবেন। টাটা। দাস ট্রাভেল এজেন্ট, উই টেক ইউ প্লেসেস। खान साहब फोन लगा। ये सब जी, जी हाँ सर, ये सच है कि मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं मिसेस लोबो को नहीं जानता, मगर ये भी सच है कि मैंने मिसेस लोबो का कत्ल नहीं किया। मेरे कुछ नेगेटिव्स उनके पास थे जिनको लेकर वो लगातार मुझसे पैसों की मांग कर रही थी। उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं सैटरडे शाम को पैसे लेकर उनके पास आ जाऊं, पर
मैं क्योंकि ऑफिस के काम से फ्राइडे को ही बाहर जाने वाला था, इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं सैटरडे को नहीं आ सकता। तो फिर उन्होंने मुझे संडे रात को पैसे लेकर आने के लिए कहा, और उसी संडे उसका खून हो गया। सर आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। संडे मॉर्निंग को उनका फोन मेरे पास आया कि मैं संडे शाम को आने के बजाय मंडे मॉर्निंग उनके पास आऊं। मंडे मॉर्निंग जब मैं वहां पैसे लेकर पहुंचा तो मैंने देखा कि पुलिस उनकी लाश लेकर जा रही थी। नहीं, वैसे कहानी तो आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन एक बात मेरे जहन में नहीं उतर रही है, वो ये है कि कोई भी इंसान जो ब्लैकमेल करता है उसको पैसे की दरअसल जल्दी ज़रूरत होती है, तो बजाय आपको देर से बुलाने के उनको सैटरडे से पहले बुलाना चाहिए था आपको। बहरहाल बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं चला है, और इस बात की भी हमें तफ्तीश करनी पड़ेगी कि जो आप कह रहे हैं वो आप सच कह रहे हैं कि नहीं। जब तक ये नहीं पता चल जाता कि जो आप कह रहे हैं वो सच है, आप खान साहब के मेहमान रहेंगे। मतलब ये मिसेस लोबो के बैकग्राउंड के बारे में कोई प्रोग्रेस? प्रॉपर्टी का चक्कर था। उसके वकील ने बताया मिसेस लोबो के हस्बैंड के विल के अनुसार 3 महीने बाद यानी कि जॉन के 21 होते ही ये जो लॉन्ड्री है उसके नाम हो जानी है। लॉन्ड्री जॉन के नाम हो जानी? शायद उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए वो सबको ब्लैकमेल कर रही थी। अब सवाल ये है, कातिल इन चारों में से एक है या कोई और? हाँ साहब, सवाल तो आपका बिल्कुल दुरुस्त है। बहरहाल कातिल जो भी है वो हमसे बहुत दूर नहीं है, बस एक छोटी सी उलझन है। कैसी उलझन? उलझन ये खान साहब के जिन चीज़ों को लेकर के ब्लैकमेल किया जा रहा था, मिसाल के तौर पे वो 5 लाख रुपए जो कपिल खन्ना ने उनको दिए हैं वो उनके बैंक में इनकैश तो हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उसे वो पेन ड्राइव वापस किया है जो अब कपिल खन्ना के पास पहुंच चुका है जी। दूसरा वो विनी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आपके पास दर्ज है, मगर ये राजीव के नेगेटिव्स और संध्या का लेटर कहाँ है? तुम्हारा लेटर मेरे पास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है। कुछ लाइनें पढ़ के सुनो। डियर जानू जब अच्छा सुनो, तुम ये राज जो है ना अपने पति से अगर राज बनाए रखना चाहती हो ना तो 5 लाख रुपए लेकर चल गया, ये पुलिस वगैरह का झंझट मत पालना, ठीक नहीं होगा। कहाँ आना है? कश्मीरी गार्डन आरे कॉलोनी, 5:30 बजे। अलविदा। किसका फोन था? आप कब आए? जब तुम्हारा फोन आया मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। Me too, honey. बहुत मिस किया तुम्हें। लाइयो? नहीं, कुछ और लाई हूं। संध्या जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ, गो कि मेरी गाड़ी जरा थोड़ी पुरानी है। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच, मैं चली जाऊंगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड आज ही वापस आए हैं और मैं नहीं चाहती कि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। वैसे आपके हस्बैंड गए कहाँ हुए थे? बिजनेस ट्रिप से कोचिन गए थे। कोचिन गए तो खान साहब आप जॉन की जरा खातिरदारी करें। बिल्कुल, क्या सोचने लगे करमचंद? हाँ साहब, अगर एक मिनट के लिए हम वो जॉन की बात मान लें कि लेटर उसको उस जगह से मिला जहाँ पे वो कत्ल की रात को मोहन के साथ ताश खेल रहा था, तो इसका मतलब ये निकलता है कि मोहन ने प्रेगनेंसी रिपोर्ट चुराने के लिए कत्ल की रात को जब मिसेज लोबो के पर्स में हाथ डाला तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट की बजाय उसके हाथ में ये लेटर आ गया जो हमें जॉन ने दिया है। अगर हम राजीव की बात को इसके साथ जोड़ कर देखें तो ये पता चलता है कि राजीव शायद सच बोल रहा था, उसको वहाँ पे संडे रात को नहीं बल्कि मिसेस लोबो ने मंडे सुबह ही बुलाया था, वरना मिसेस लोबो के पर्स में उस लेटर के बजाय राजीव के नेगेटिव्स होने चाहिए थे। आप कहना क्या चाहते हैं? यही खान साहब के संडे की रात को राजीव की बजाय संध्या वहाँ पर गई थी। सर दिल्ली से ये फैक्स आए, उस मेडिसिन की रिपोर्ट।
खिचड़ी। यस सर। गाजर। यस सर। आइए खान साहब। शक तो मुझे आप पे उसी वक्त हो गया था जब आपने ये कहा कि वो लेटर लॉन्ड्री में नहीं घर पे मिलेगा। जाहिर है कि ये बात सिर्फ वही इंसान कह सकता है जो लॉन्ड्री की तलाशी ऑलरेडी ले चुका है। तो संध्या जी, आप संडे रात को लॉन्ड्री गई थी या नहीं? जी हाँ, संडे रात को मैं लॉन्ड्री गई थी, लेकिन मिसेस लोबो नहीं मिली वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताएंगे कि आप कितने बजे गई थी वहाँ? 11:30 बजे। 11 बजे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आना था कोचिन से। कोचिन से? जी हाँ, उन्होंने कहा था वो मुझे 11 बजे फ़ोन करेंगे। उनसे बात करने के बाद ही मैं लॉन्ड्री गई थी। मैं छुटकारा पाना चाहती थी मिसेस लोबो से। लॉन्ड्री पहुँची तो शटर डाउन था, लेकिन ताला नहीं लगा था। मैंने आवाज़ भी लगाई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने शटर ऊपर किया और अंदर चली गई। अंदर भी कोई नहीं था। मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने लेटर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन लेटर नहीं मिला। और इससे पहले कि कोई मुझे वहाँ देख लेता, मैंने शटर डाउन किया और वापस आ गई। आई वॉन्टेड माई लेटर एट एनी कॉस्ट, इसलिए मैं मंडे मॉर्निंग पैसे लेकर वहाँ वापस गई थी। उसके बाद क्या हुआ वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ साहब, कुछ बातें अभी भी हैं जो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही हैं मेरे दिमाग में। बहरहाल मोहतरमा, अगर आपके हस्बैंड को ये सारी बातें बता दी जाएं तो कैसा रहेगा? नो सर, सर प्लीज़, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज़। करना ना करना तो ऊपर वाले के हाथ में है। वैसे मेरा ख्याल है आपके हस्बैंड अभी फ़िलहाल घर पर तो नहीं है। खान साहब से वैसे मैंने कह दिया उनको फ़ोन करने के लिए, शायद आते ही होंगे। क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पर? जी दरअसल एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ चल रही थी। क्या क्या कहा? क्या कहा, किसने कहा? जी वो मैंने ही कहा कि दरअसल एक मर्डर केस के सिलसिले में कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कौन सा मर्डर? हमारा कोई लेना देना नहीं है मर्डर से। अगर आपका कुछ लेना देना नहीं है तो फिर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? किसी के घर में कभी भी गुस्साएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। जी आप छींकते हैं, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको ये छींकने की बीमारी भी है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ आपसे? मतलब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको प्यास बहुत लगती होगी, आप इनको थोड़ा पानी पिला दीजिए क्योंकि इनको बार बार प्यास लगती होगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ संध्या जी? आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे तो ये भी मालूम है कि ये बाएँ साइड पर मतलब लेफ्ट साइड पर बिस्तर पर सोते होंगे और दाएँ तरफ नहीं सो पाते होंगे क्योंकि दाएँ तरफ सोने में यानी राइट साइड पर सोने में इनको काफ़ी तकलीफ़ होती होगी और रात को सोते वक्त काफ़ी खर्राटे भी लेते होंगे और चिड़चिड़ापन या गुस्सा तो इनका आपने अभी देख ही लिया है और हम सब लोगों ने यहाँ पे खड़े खड़े देख लिया है। और अगर जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, अगर इनकी ये मशीन इनके कान पे ना लगी हो तो ये बातचीत ठीक तरह से सुन नहीं पाएंगे। मुझे काफ़ी ऊंची 3-4 बार ये बात कहना पड़ेगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? वैसे आप कौन से डॉक्टर से इलाज करवाते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ साहब देखिए, आपसे सवाल पूछा गया, आप सिर्फ जवाब दीजिए। मेरी दवाई दिल्ली से आती है और डॉक्टर मेरा दोस्त है और मैं होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, मोराटिकम एसिडम नाम की दवाई लेते हैं आप। ये होम्योपैथी शीशी हमें वो लॉन्ड्री से मिली है संडे रात को। तो संडे रात को आप वहाँ लॉन्ड्री पे कितने बजे गए थे? मैं संडे नाइट को मैं कोचीन में था। आप कोचीन में थे? वो तो आप कौन सी ट्रेन लेकर गए थे कोचीन? मैं ट्रेन से नहीं, मैं फ्लाइट से गया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल आपके मुँह से ही सुनना चाहता था कि आप फ्लाइट से गए थे। कटे ये संडे रात की सारी फ्लाइट्स की कोचिन की डिटेल्स हैं, इनमें से किसी में भी आपका नाम नहीं है। अब कोई तरीका नहीं है बरखुरदार, आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। इस दवाई का उस लॉन्ड्री से मिलना और ये पता चलना कि ये दवाई उन लोगों को दी जाती है जिन्हें बहुत प्यास लगती है, जो बार बार छींकते हैं, जिन्हें ठीक से कान से सुनाई नहीं देता है, और आपकी बीवी का ये कहना आपको कैसे मानिए? सबसे बड़ा सबूत ये कि आपने अभी अभी झूठ बोला कि आप कोचिन गए हुए थे जबकि आप कोचिन गए ही नहीं। अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने जानबूझकर कल्प नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी को पता चले कि उसकी पिछली जिंदगी के बारे में मुझे पता है। मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे मुसीबतों से दूर करना चाहता था। मैं उस औरत के पास गया और मैंने उसे कहा कि तुम पैसे ले लो और वो लेटर मुझे दे दो। तुम्हें क्या पैसे ही चाहिए थे ना? तुम्हारे लिए मैं पैसे लाया हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी जो गिरगट का रंग बदल दी। अरे
तुम आज मुझे पैसे दे दो, मैं कल तुम्हें चिट्ठी दे दूंगी। उसने पैसे तो ले लिए लेकिन लेटर देने से इनकार कर दिया, तो हम दोनों में झड़प हो गई। गुस्से में मेरा हाथ उठ गया, उसका सर कब्र से जा टकराया और उसकी मौत हो गई। अब आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं कत्ल करने के इरादे से वहां नहीं गया था। I'm sorry. I'm really sorry, sir. आपका शक यहां तक कैसे पहुंचा करमचंद? हाँ साहब, आपको याद होगा जब कत्ल की रात के बाद आप मोहन से पूछताछ कर रहे थे, तो उसी वक्त संध्या का टेलीफोन बजा था। तो संध्या फोन पे काफी जोर से बात कर रही थी, तो वो नेटवर्क की खराबी की वजह से नहीं था, बल्कि क्योंकि उनके पति को ठीक से सुनाई नहीं देता, इस वजह से वो बहुत ऊंची बात कर रही थी। फिर जब ये दवाई हमें वहाँ लॉन्ड्री में मिली और उसके रिपोर्ट्स आए, तो पता चला कि उन लोगों को दी जाती है जिनका कान ठीक नहीं होता और उनको ठीक से सुनाई नहीं देता। तो बस इसी बात पे मेरा शक जो था वो यकीन में तब्दील हो गया। मान गए करमचंद, मान गए। जो आपकी जरा नवाजी है खान सर। सर एक बात कहूँ? तुम कहोगी कि यू रियली आर अ जीनियस सर। और मैं क्या कहूंगा? शट अप कीजिए। वो तो मुझे कहना है। यस सर। शट अप कीजिए। यस सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।